धान खरीदने में राज्य सरकार जितनी अधिक मेहनत कर रही है उतनी ही ज्यादा मुश्किलों को भी झेलने का समय आ रहा है। यहाँ सवाल उठ रहा है धूपोपाली के उप मंडी धान केंद्र का, जहाँ आज तक लगभग 21,000 क्विंटल धान खरीदी की गई, तो लगभग 8,000 क्विंटल का धान ही उठाव मिलर के द्वारा किया गया है। ऐसे स्थिति में सहकारी समिति प्रबंधक गोविंद चौधरी के चेहरे में परेशानी साफ झलक रही थी। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए जब बेमौसम बारिश से धान को मंडी में बचाया गया है तो समय से मिलर या संग्रहण केंद्र को धान का उठाव कर लेना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आने वाले 11 से 14 तारीख को मौसम विभाग के अनुसार फिर बारिश होने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है। झीकीपाली धान खरीदी उपकेंद्र में मंडी प्रांगण के चारों ओर धान ही धान का जमावड़ा है। शासन प्रशासन को भी इस स्थिति का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द धान उठाव का कार्य कर लेना चाहिए, जिससे कि भारी वित्तीय नुकसान से बचा जा सके। लोपाली सहकारी समिति के उपकेंद्र झीकीपाली में खड़े हैं और यहाँ के प्रबंधक हमारे सामने मौजूद हैं। जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ आवक, धान आवक और आपके यहाँ से उठाव की स्थिति को जानने के लिए हम मौजूद हैं। आप गोविंद चौधरी जी, जानना चाहेंगे कि कितना उठाव हो रहा है, आपका गति क्या है यहाँ? हमारे दुनोपाली समिति के उपकेंद्र झीकीपाली में उठाव बिल्कुल नहीं है। एक दिन में एक भी गाड़ी नहीं लग रहा है। यहाँ 20,524 क्विंटल धान खरीदी हो चुका, जिसमें मात्र 40% भी उठाव नहीं हुआ है। 7,880 क्विंटल उठाव हो चुका है। शेष 12,644 क्विंटल धान उठाव होना शेष है, और जिसमें किसानों को धान देरी करने में, धान जाम होने के कारण भरने में दिक्कत जा रहा है। अच्छा, तो आप अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत कर चुके हैं? हाँ, उच्च अधिकारियों से बातचीत कर चुके हैं और डेली डाटा में जानकारी जा रहा है और बोल रहे हैं कि 2-4 दिन में संग्रहण खुलने वाला है, उठाव होगा बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक उठाव होना नहीं हो पा रहा है। तो अभी किसानों की जो धान खरीदी का केंद्र, मतलब ये कार्य चल रहा है, किसान संतुष्ट है क्या? हाँ, संतुष्ट है। हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, वैसे जगह बना बना के ले रहे हैं, और उठाव थोड़ा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। बारामकेला से सुवर्ण कुमार भोई की रिपोर्ट।